लास्ट टर्म पे हम लोगों ने ये देखा था कि कोलिजन रेजोल्यूशन लीनियर प्रोबिंग मेथड से कैसे किया जाता है। आज के लेक्चर में हम लोग कोलिजन रेजोल्यूशन देखेंगे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से। सो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग से अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आप सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं। सो आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से लिखा जाता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स एंड देन प्लस सी। तो अगर हम अभी तक जो हमने मेथड अडॉप्ट किया था वो ये कहा था कि एच प्लस, अगर एच लोकेशन बिजी है तो आप एच प्लस आई लोकेशन देखिए, और अगर एच प्लस आई लोकेशन बिजी है तो आप एच प्लस आई प्लस वन लोकेशन देखिए। इसका मतलब सिंपली यही है कि हम ग्रेजुअली या लीनियर सेंस में हम आगे बढ़ रहे हैं और उसके उस लोकेशन पे देख रहे हैं कि क्या वो डेटा फ्री है कि नहीं है। इसका ये जो लीनियर प्रोबिंग जो हमने देखा था, उस लीनियर प्रोबिंग का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि हम मान लीजिए कि अगर हमारे पास एक टेबल है और मैं उस टेबल को ये देखता हूँ कि वो कहाँ पे बिजी है और कहाँ पे बिजी नहीं है। तो लेट्स से ये लोकेशन मेरी बिजी है, ये भी बिजी है, ये भी बिजी है और ये भी बिजी है। तो मान लेते हैं कि एक, इसको हम जीरो इंडेक्स मान लेते हैं। तो एक डेटा आइटम मेरे पास आता है और वो जो डेटा आइटम है उसका स्टोरेज प्लेस जो है वो जीरो है। तो अगर हम इस डेटा आइटम को जीरो प्लेस पे स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डेटा आइटम है। तो आप क्या करेंगे, वन इंडेक्स देखेंगे, वन इंडेक्स पे भी फ्री नहीं है तो आप टू इंडेक्स देखेंगे, टू इंडेक्स भी फ्री नहीं है तो आप थ्री इंडेक्स देखेंगे, और थ्री इंडेक्स भी फोर नहीं है तो फ्री नहीं है तो आप फोर इंडेक्स देखेंगे। इसका मतलब जो आप फॉलो कर रहे हैं इंडेक्सेस को जीरो वन टू थ्री फोर इस तरह से आप सर्च कर रहे हैं। मान लीजिए कि एक और डेटा आइटम वाई आता है जिसको आपको स्टोर करना है, और वाई का भी जो इंडेक्स है वो जीरो आ जाता है। तो उसके बाद जो आप फॉलो करेंगे लोकेशंस को वो जीरो से वन, वन से टू, टू से थ्री, थ्री से फोर फॉलो करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जिस लोकेशन को आप सर्च करेंगे वो बिल्कुल सेम होगा जो कि पहले वाला, या फिर एक्स को जो स्टोर करने के लिए आपने लोकेशंस को सर्च किया था। तो अगर कोलिजन हो रहा है और सेम एड्रेस आ रहा है तो उस केस में एक्स को सर्च करने का जो पाथ है और जो वाई को सर्च करने का पाथ है वो सेम है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि आप सेम क्लस्टर में सर्च कर रहे हैं यूजिंग दी लीनियर प्रोबिंग मेथड। जो जिस क्लस्टर में आपने सर्च किया एक्स के लिए उसी क्लस्टर में आप सर्च कर रहे हैं वाई के लिए, जबकि पहले से ही हमें जानकारी थी कि जो लोकेशंस वन टू थ्री फोर, जीरो वन टू थ्री है वो बिजी है। तो इससे एक डिसएडवांटेज है लीनियर प्रोबिंग का, जिसको हम कहते हैं कि प्राइमरी क्लस्टरिंग। सो द लीनियर प्रोबिंग मेथड इज सब्जेक्टेड टू द प्राइमरी क्लस्टरिंग। नाउ क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में क्या होगा कि हम लीनियर लोकेशंस पे ना सर्च करके हम किसी एक फार्मूला के थ्रू सर्च कर लेते हैं, एंड दैट फार्मूला विल बी ड्रिवन बाय द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम ऐसा कहें कि सी की वैल्यू जीरो है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम ये कह रहे हैं कि सी की वैल्यू मान लेते हैं कि जीरो है। सो अगर सी की वैल्यू जीरो है तो हम ये कह सकते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। और इसके अलावा हम जो बेस्ट मेथड है वो ये कहता है कि आप ए की वैल्यू को हाफ ले लीजिए और बी की वैल्यू को हाफ ले लीजिए, एंड इसके अकॉर्डिंग आप इसको सर्च कीजिए। तो यहाँ पे अगर हम हाफ ले लें तो हाफ एक्स स्क्वायर एंड देन प्लस हाफ इंटू एक्स। तो ए की वैल्यू हाफ हमने ले लिया और बी की वैल्यू हमने हाफ ले लिया। और अगर आपको किसी लोकेशन को सर्च करना है या किसी लोकेशन में ये फाइंड करना है कि डेटा आइटम स्टोर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, यहाँ पे एक्स को हम आई अगर ले लें तो एच लोकेशन अगर बिजी है तो आप एच प्लस, और अगर हम एक्सप्रेशन मान लें कि ये एक्सप्रेशन ए एक्सप्रेशन है तो एच प्लस ए लोकेशन पे आप सर्च कीजिए, और ये जो एक्स की वैल्यू है उसको वेरी कराइए वन से लेकर वन ऑनवर्ड्स। सो आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करें तो आप ये कह सकते हैं कि आप ए की वैल्यू को वन ले लीजिए और बी की वैल्यू को जीरो ले लीजिए, तो दिस इक्वेशन विल और दिस एक्सप्रेशन विल कम आउट टू एक्स स्क्वायर डायरेक्टली। सो अगर एच लोकेशन बिजी है तो आप एच प्लस आई स्क्वायर लोकेशन को सर्च कर लीजिए। सिंप्लीफाइड मैनर में हम कहेंगे कि अगर एच लोकेशन बिजी है तो एच प्लस वन स्क्वायर लोकेशन सर्च कीजिए, एच प्लस वन स्क्वायर लोकेशन फ्री है तो एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन सर्च कीजिए, एच प्लस टू स्क्वायर अगर बिजी है तो एच प्लस थ्री स्क्वायर सर्च कीजिए, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जनरल आपका जो फार्मूला बना सर्चिंग के लिए वो आपका बना कि अगर एच लोकेशन बिजी है तो यू गो फॉर एच प्लस वन स्क्वायर,
एंड ऑब्वियसली इसमें मॉड टेबल साइज तो मैं लगाना ही होगा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी हो सकती है, उसको रेस्ट्रिक्ट करने के लिए कि वो टेबल के अंदर ही रहे हमने मॉड टेबल साइज ले लिया। सो देन एच प्लस टू स्क्वायर मॉड टेबल साइज, एंड देन इसी तरह से आप फाइंड कर लीजिए। जनरल फार्मूला ये है कि एच प्लस आई स्क्वायर एंड मॉड टेबल साइज, और जहां पे आई की वैल्यू हमारी वेरी करेगी 1 onwards। नाउ ये जो हमने मेथड अडॉप्ट किया है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का, ये भी सेम वैसे ही परफॉर्म करेगा, या इसकी भी जो डिसएडवांटेज होगी वो लीनियर प्रोबिंग जैसे ही होगी। जैसे कि हमने ये कहा कि एच लोकेशन मेरा कोई है और हमने इसमें एच प्लस वन स्क्वायर ऐड किया, सो एच प्लस वन हो गया वो, एच प्लस टू स्क्वायर से एच प्लस फोर हो गया, एच प्लस थ्री स्क्वायर से एच प्लस ये 9 हो गया, एच प्लस फोर स्क्वायर से एच प्लस 16 हो गया। तो अगर मान लेते हैं कि एक डेटा आइटम एक्स को हमें स्टोर कराना है तो वो इस पाथ को फॉलो करेगा स्टोरेज के लिए, मान लेते हैं कि सारे लोकेशन बिजी हैं। देन इसके बाद अगर हमें वाई को स्टोर करना है और वाई का भी जो एड्रेस है वो एच ही आता है और एच लोकेशन बिजी है, तो आप अगेन वाई के लिए यही लोकेशन को सर्च करेंगे, एच प्लस वन, एच प्लस फोर, एच प्लस 9 और एच प्लस 16। तो इसका मतलब क्या है कि ये उसी पाथ को फॉलो कर रहा है जो कि एक्स पाथ फॉलो कर रहा था। तो इसका मतलब है कि सेम क्लस्टर में ये सर्च कर रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक प्रोबिंग भी जो है एक क्लस्टरिंग से, या इसको हम सेकेंडरी क्लस्टरिंग कहते हैं कि इट इज अफेक्टेड बाय द सेकेंडरी क्लस्टरिंग। इसका मतलब है कि वो उसी क्लस्टर में सर्च कर रहा है जिस क्लस्टर में प्रीवियस एलिमेंट स्टोरेज के लिए उसने सर्च किया था। लेकिन लीनियर प्रोबिंग से थोड़ा सा एडवांटेज इसमें ये कि लीनियर प्रोबिंग जस्ट नेक्स्ट सर्च कर रहा था, ये थोड़ा सा आगे बढ़ जा रहा है और एक रैंडमली, रैंडम तो नहीं कहेंगे लेकिन हाँ ठीक है, एक फार्मूला ड्रिवन है और थोड़े डिस्टेंस डिस्टेंस पे ये वैल्यूज लोकेशन को सर्च कर रहा है। तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि हमें लोकेशन फ्री मिल जाए थोड़े से डिस्टेंस पे। तो आइए इसको हम कोड करके देखते हैं, और ये हमारा क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का एक फंक्शन है। इस क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के फंक्शन में तीन चीजें हमें गिवन है, एक हैश टेबल गिवन है और एक टेबल साइज का पैरामीटर गिवन है, एंड देन एक एक्स वैल्यू है जो कि हमें इंसर्ट करनी है, या एक्स वो डेटा आइटम है, वो की वैल्यू है जिसको हमें स्टोर करना है। नाउ हमने सबसे पहले टेबल साइज से मॉड लेके एड्रेस फाइंड कर लिया। यहाँ हमने ये माना है कि जो हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो डिविजन हैश मेथड है और उसमें टेबल साइज से मॉड लिया जा रहा है। इसके बाद हमने टेबल को डिक्लेयर किया है कि टेबल में हर लोकेशन में 0 है, ऐसा हमने अज्यूम किया है, और 0 का मतलब ये है कि हमारे टेबल में जो लोकेशंस हैं वो फ्री हैं। तो मैंने लीनियर प्रोबिंग वाले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये टेबल है और इस टेबल में इनिशियली सारे के सारे जो डेटा आइटम्स हैं उनको 0 डिक्लेयर कर दिया गया है, 0 का मतलब ये है कि ये लोकेशन फ्री है। तो हमें अगर m लोकेशन मिली डेटा आइटम x को स्टोर करने के लिए, तो हमने टेबल के m इंडेक्स पे देखा, अगर ये 0 है तो इसका मतलब कि हम अपने डेटा आइटम को यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, अगर ये 0 नहीं होता तो हम डेटा आइटम को स्टोर नहीं कर पाते। तो अगर ये 0 है तो हमने इसी लोकेशन में डेटा आइटम x को स्टोर कर दिया, लेकिन अगर नहीं है तो हम क्वाड्रेटिक प्रोबिंग का मेथड को यूटिलाइज करेंगे। सो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में मेथड में हम क्या करेंगे कि अगर एच लोकेशन बिजी है तो हम एच प्लस वन स्क्वायर लोकेशन देखेंगे, अगर ये भी बिजी है तो एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन देखेंगे, एच प्लस थ्री स्क्वायर लोकेशन देखेंगे अगर एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन बिजी है, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो यहाँ हमने ये कहा कि अभी हम कंडीशन को समझ लेंगे, थोड़ी देर बाद अंदर आते हैं और नई नई पोजिशन फाइंड करते हैं। एम मेरा एच है मतलब कि हैश एड्रेस है, और आई स्क्वायर, और ऑब्वियसली मॉड टेबल साइज तो लेना ही पड़ेगा, अगर बड़ी वैल्यू होगी तो उसको हमें रेस्ट्रिक्ट करना होगा टेबल के अंदर लाने के लिए। सो एम प्लस आई स्क्वायर मॉड टेबल साइज, यहाँ पे हमने सर्च किया, अगर टेबल की नई पोजीशन पे अगर 0 है तो इस आइटम को स्टोर करके फ्लैग को 1 कर देंगे। फ्लैग 1 का सिंपल सा मीनिंग ये है कि हमारा डेटा आइटम स्टोर हो गया है। नाउ इसके बाद अगर हमारा ये लोकेशन माने अगर यहाँ पे नहीं 0 है तो हम एच प्लस टू स्क्वायर लोकेशन को सर्च करेंगे, इसीलिए हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है जिससे कि अगर अभी हमने 1 देखा था तो नेक्स्ट टाइम हम 2 स्क्वायर देखें, देन इसी तरह से हम 3 स्क्वायर देखें, एंड सो ऑन सो फोर्थ। तो जैसे ही फ्लैग की वैल्यू 1 सेट हो जाएगी हमारा लूप फिनिश हो जाएगा और हम ये डिक्लेयर कर देंगे कि ये आइटम स्टोर हो गया। तो इस लूप को हमने यहाँ तक चलाया है व्हाइल फ्लैग इज इक्वल टू 0, हमारा ये लूप चलता रहेगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जब तक हमारा फ्लैग 1 न हो जाए ये लूप हमारा चलता रहेगा। तो वही इसको हम मेन में चलते हैं और मेन में देखते हैं कि हम कैसे इसको कॉल करेंगे इस फंक्शन को।
ये हमारा मेन है, और मेन में हमने एक की वैल्यू ले लिया है और एक टेबल साइज ले लिया है, एक्स ले लिया है जो डेटा आइटम हमें स्टोर कराना है। टेबल साइज जो है, टेबल हमने क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग की 15 साइज की ले ली है, और इसके सारे एलिमेंट्स को हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया है। देन हमने यूजर से पूछा है कि कितने एलिमेंट्स उसको स्टोर कराने हैं, और उतने एलिमेंट्स का इनपुट करा के, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक प्रोबिंग होगा, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाले फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, जिसमें कि टेबल पास कर दिया है और टेबल की साइज पास की और डेटा आइटम जिसको हमें स्टोर करना है। नेक्स्ट टू लूप्स हम छोड़ देते हैं क्योंकि वो सिंपली ब्यूटिफिकेशन के लिए है। लास्ट लूप देखते हैं कि हमने क्वाड्रेटिक प्रोबिंग वाले टेबल में हर लोकेशन में कौन सा डेटा आइटम स्टोर है, यही डिस्प्ले कर रहा है हमारा ये वाला। सो नाउ इसको अगर हम देखेंगे जीरो से लेकर टेबल साइज -1 तक हर इंडेक्स पे टेबल के क्या वैल्यू प्रिंट है, यही हमारा डिस्प्ले हो रहा है। ये जो दो लूप्स हैं इसमें इंडेक्सेस प्रिंट हो रहे हैं इस वाले लूप से, और नेक्स्ट वाले लूप से हम सिंपली लाइंस प्रिंट कर रहे हैं, जिससे कि इंडेक्सेस के नीचे एक सिंपल सी लाइन हमारी खिंच जाए। तो आइए इसको रन करके देखते हैं। तो हमसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स पूछे जा रहे हैं कि कितने एलिमेंट्स हमें स्टोर करने हैं। तो लेट्स से हमें 5 एलिमेंट्स स्टोर करने हैं, और ये मानते हुए कि जो मॉडुलस हमें लेना है वो 15 से लेना है, तो हमने ये यहाँ पे अज्यूम किया कि लेट्स से पहला जो डेटा आइटम है वो 0 इंडेक्स पर स्टोर होगा, तो 15 मॉडुलस 15 लेंगे तो ये 0 इंडेक्स पर स्टोर हो जाएगा। देन इसके बाद हम एक ऐसा इंडेक्स ले लेते हैं, ऐसा डेटा आइटम ले लेते हैं जिसका अगेन 0 इंडेक्स आए, सो दैट इज 30, तो इसको 1 इंडेक्स पर स्टोर हो जाना चाहिए। देन इसके बाद हम अगेन एक ले लेते हैं जिसमें कि हम 45 ले लेते हैं, इसका भी इंडेक्स 0 ही आएगा। एंड देन इसके बाद हम एक और डेटा आइटम ले लेते हैं जो कि 1 इंडेक्स पे आए, तो लेट्स से हम 31 ले लेते हैं, 31 का मॉडुलस आएगा 1। एक और डेटा आइटम अपनी तरफ से कोई ले लेते हैं, लेट्स से 68। तो वेरीफाई करते हैं कि क्या इनकी पोजिशन सही आई है कि नहीं। तो सबसे पहले हमने 15 मॉड लिया, तो 0 इंडेक्स पे 15 स्टोर हो गया, आप देख सकते हैं। फिर 30 का आपने मॉड लिया 15 से, तो 0 आया, तो H+1 आ जाएगा 30, 30 लोकेशन पे हमने उसको स्टोर कर दिया। 45 का भी 0 आएगा, तो 45 को ऑब्वियसली हम स्टोर नहीं कर सकते इस इंडेक्स पे 0 पे, तो +1 स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे भी बिजी है। +2 स्क्वायर करेंगे तो +4 आएगा, तो 0 + 4 4 हो जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि 45 इंडेक्स पे आपने इस डेटा आइटम को स्टोर कर दिया है। 4 इंडेक्स है, 45 को 4 इंडेक्स पे स्टोर कर दिया है। 31 के लिए इंडेक्स 1 आएगा, 1 पे स्टोर नहीं किया जा सकता क्योंकि 1 पे ऑलरेडी 30 है, तो H+1 स्क्वायर करेंगे तो लोकेशन 2 हो जाएगी, 2 पे आपने 31 को स्टोर कर दिया। 68 के लिए 8 आएगा, और 8 लोकेशन फ्री है, तो आप देख सकते हैं कि 8 पे आपने इस डेटा आइटम को स्टोर कर दिया। तो आई होप आपने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग है दिस इज वर्किंग फाइन, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल लर्न अबाउट हाउ टू डू द प्रोग्रामिंग फॉर द रीहैशिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।